a dream of surgery hey guys welcome to my youtube channel learn english hashtag fun english. so today we are going to study class 10 chapter 1 that is a dream of surgery so let's go three Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky, a chota sa kutta, hai, is pampered. What is the meaning of pampered dear? Pampered means taking care and love. Taking care and love and overfed by his rich mistress. Mistress मतलब होता है उसकी मालकिन जो काफ़ी rich overfed ओवर फिड होता है मतलब होता है हद से ज़्यादा खाना खिला देना फॉल सीरियसली इज एंड इज मिस कौंसल्स अ वेटनरी सर्जन वो जो है वो बहुत ही बीमार हो गया था और, और उसकी मिसट्रेस ने किसी कंसल्ट के एक वेटनरी सर्जन मतलब जो डॉ जो डॉक्टर होता है वो एनिमल्स का होता है और यहाँ पे वेटनरी सर्जन एनिमल्स का जो सर्जरी करता है उसे बोलते हैं वेटनरी सर्जन डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन डज द डॉग रिकवर अब हम इस स्टोरी के द्वारा जानेंगे क्या उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया क्या डॉग रिकवर्ड हो गया सो लेट्स गो रीड एंड फाइंड आउट वाई इज मिस पम्फ्रेवरड अबाउट ट्रिकी

वो बोलते आई वॉज रियली वरीड अबाउट दिस टाइम मैं इस वक्त ट्रिकी के लिए बहुत ही चिंतित और परेशान था आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद दिस मिस्ट्री मैंने अपना कार रोका जब मैं नगर में स्ट्रीट्स को देखा कि देखा कि ट्रिकी और उसकी मिस्ट्री से आई वॉज शॉक्ट एट हिस मैं ट्रिकी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया ही हैड बिकम यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ लेग एट ईच कॉर्नर वो बहुत ही फैट हो चुका था और ब्लॉटेड सॉसेज मतलब यहाँ पे स्टैंड हो रहा है जो एक कबाब टाइप का मतलब उसके लेग में चारों मांस जम गया था हिज आई ब्लड शूट एंड रियोमिनी ब्लड शूट मतलब उसकी आँख खून जैसी ला और रियोमी मतलब होता है वाटर डिस्चार्ज जो आई से होता है पानी गिरना होता है उसे बोलते रियोमी स्टैड स्ट्रेट अहेड जब उसने देखा एंड स्टंग लॉर्ड फ्रॉम इस, इस जॉ उसकी जो टंग है वो जॉ से निकल गई मतलब निकल गई मतलब यहाँ पे बहुत ही एकदम सा नचीला सी ऐसा लग रहा था कि जो उसका टंग है वो लटक रहा है मिसिस पम्फरे हैसन्स टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिसिस हैसन मिसिस जो पम्फरे है वो एक्सप्लेन करती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस मतलब वो कुछ ढीला ढाला सा हो गया मिस्टर हैरियड यहाँ पे आई रिफर किया मिस्टर हैरियड जो ऑथर है ठीक है ही सीम्स टू हैव नो इनर ऐसा लगता है कि उसमें अब कुछ काम करने को एनर्जी ही नहीं आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिश मिसेज पम्फ्रे बोलती है कि मुझे लगता है कि जो ट्रीके है वो माल न्यूट्रिशन से व्हाट इज़ द मिंग ऑफ मर माल न्यूट्रिशन मतलब होता है जब हम लोग के शरीर में न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है तो उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन सो आई

मैं उसे मील के मील के बीच में कुछ कुछ देती रहती हूँ जैसे सब माल्ट मतलब ग्रीन्स कॉड लिवर मतलब फिश का ऑयल और अ बाउल ऑफ हॉलिक्स मतलब एक कटोरा हॉलिक्स रात को सोने से पहले दे देती हूँ ताकि वो अच्छा से सो पाए और इसके अलावा और कुछ नहीं बस यही सब चीज़ देती हूँ एंड डिट यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई डोल डू अब मिस्टर हैरिट मिसिज बफ्रिक बोलते हैं कि मैंने आपको बोला था कि उसे मीठी चीज नहीं देना क्या आपने वो किया ओ आई डेट फॉर बिट ओ मैंने थोड़ा सा किया बट ही सीम्स टू बी सो वीक बट मैंने उसे देखा कि वो बहुत कमजोर है सो आई आई हैड टू डेने ये नहीं किया ही डज लव क्रीम केक्स उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद है एंड चॉकलेट्स सो चॉकलेट उसे आई कॉन्ट बीयर टू रिफ्यू मैं उसे मना नहीं कर पा आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग मैं उसे फिर से देखा उस लिटिल डॉग को डैट वॉज द ट्रबल बहुत ही दयनीय कठि था उसका ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेट उसका एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत लाची है ही हैड नेवर बी नोन टू रिफ्यूज फूड उसे कभी भी मतलब फूड को रिफ्यूज़ नहीं किया ही वो टैकल अ मील एट एनी आर ऑफ़ द डे और नाइट वो मील को खाना को कभी भी खा सकता है आरे में भी घंटे में भी खा सकता है और डे और नाइट एंड आई वॉन्टर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पफरे हैज़ नॉट मेंशन अब मैं और भी सोच रहा हूँ कि मिसेस पफरे कुछ और भी देती होगी लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया नहीं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस मिस्टर हैरिड पूछते हैं कि आप आप जो है ट्रिकी को क्या एक्सरसाइज भी करवाती वेल ही हैज़ हिज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी वो मेरे से कभी कभी वॉक कर लेता है बट हॉडगिन द गार्डेनर मतलब एक गार्डेनर है जो हॉट है ठीक है हैज़ बीन डाउन विथ लूम्बैगो यहाँ पे लुम्बैगो है एक गठिया रोग मतलब जो ठेवना के पास रोग होता है नी के पास उसे बोलते हैं लूम्बैगो सो देर हैज़ बिन नो Ring, throwing so, वहाँ पर जो रिंग जो थ्रो होता है स्पेशली डॉग से रिंग थ्रो करके खेलते वो नहीं हो पा रहा है आई ट्राई टू साउंड सीवियर नाउ आई रियली मीन दिस तो अब वो बोलती है कि मतलब कि अब तो ऐसा नहीं मैं दे पा रही हूँ और वो खेल नहीं पा रहा है सो so, अब मिस्टर है आई ट्राई टू सिर मैं थोड़ा कठिन होके बोला ना आई रियली मीन दिस अब मैं ये बात जो बोल रहा आप इसे सुनिए इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल अगर आप सही से उसे फूड नहीं दीजिएगा और गलत फूड नहीं कट डाउन करिएगा और एक्सरसाइज नहीं दीजिए करवाइएगा तो वो सही में बहुत ज़्यादा बीमार पर जाए यू मस्ट हार्ड इन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट आपको अपने हार्ट को मतलब कठोर दिल बनना पड़ेगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट जिसमें न्यूट्रिशन वाला फूड हो ज्यादा वसा युक्त चीज ना हो उसे आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट उसे देना होगा मिसेज पम्फ्रे रंग हर हैंड्स मतलब मिसे पम्फ्रे जो अपने हाथ को मसलिले ले ओह आई विल मैं करूँगी मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट सो डिफिकल्ट मतलब आई एम श्योर आप राइट हो बट इस ये जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ़ शी डिटरमाइन टू पिट द न्यू रिगेम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली उन्होंने अब वो वहाँ से चली गई हेड डाउन करके अलॉन्ग द रोड रोड के रोड के अलावा चली गई एंड इट डिटरमाइन टू पुट द न्यू रिगेम बस ऐसा लग रहा था कि वो जो न्यू रिगेम जो प्लान बनाई है जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन उन्हें दिया है वो कल ही से फॉलो कर ली आई वॉज देर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्ट मैंने उसका प्रोग्रेस जो है वो ग्रोइंग कंसर्न से दिया ट्रिकी वॉज टॉचरिंग अलॉन्ग इन लिटिल ट्वेट को ट्रिकी को लुढ़क के जो उसने लिटिल ट्वीट कोड पहना था उसे उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हुई ही हैड होल वर्ल्ड ऑफ दिस कोड उसके बाद उसके पास जो इस कोट्स का एक पूरा अलमारी फॉर द कोल्ड वेदर कोल्ड वेदर ठंडी के लिए एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज रेनकोट जो है वो वेट डेज ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन इज हार्नेस आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे स्ट्रगल जो ट्रिकी था वो स्ट्रगल था मतलब बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था चलने में लुढ़क लुढ़क के चलने में और आगे बढ़ने में आई थाट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर फ्रॉम मिसिज पम्फरे जो हैरियड था उसने बोला कि अब लगता है देरी नहीं है जब मिसेज पम्फरे मुझे बताएगी कि जो ट्रिकी है वो डेड हो चुका है मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज मतलब हैरियट बोलते हैं कि मुझे तो कॉल का एक्सपेक्टेशन पहले से था वो कुछ दिनों में आ गया मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉड मिसेस पम्फ्रे जो है वो डिस्ट्रॉस थी मतलब डिस्ट्रॉस थी मतलब उदास होकर बोल रही थी ट्रिकी उड इट न थी ट्रिकी जो है वो खा, कुछ खा नहीं रहा है रिफ्यूज इवेन इज फेवरेट डिशेज जो अपनी फेवरेट डिशेस को भी वो नहीं खा रहा है एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग इसके अलावा वो बहुत ही वॉमिटिंग कर रहा है ही स्पेंड ऑल हिस टाइम लाइंग ऑन अ रैग पेंटिंग वो जो रैग होता है मतलब जो उसका सोने का जो जगह है वहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ सोया रहता है पैंटिंग करना रहा। मतलब इधर उधर ऐसे ऐसे लुढ़क रहता है डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वर्कस डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग डि नॉट वांट टू गो फॉर वर्कस मतलब वो वॉकिंग करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो कहीं जाना भी नहीं चाहे आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस द ओनली वे अब हैरियड बोलता है कि मैंने अपलान जो है वो पहले से बना रखा था द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड मतलब एक एक ही वे है कि ट्रिकी को कैसे हम लोग एक पीरियड के लिए हाउस से बाहर निकाला जाए अस अगे डैट ही वी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्ट नाइन टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन अब वो हैरियड बोलता है कि मुझे लगता है कि कि एक दिन के लिए मतलब फोर्ट नाइन एक रात के लिए मुझे ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही पड़ेगा सो डैट कि वो ठीक हो जाए और उसे जो भी मतलब हुआ है उस उसको जो भी हुआ है उसे मैं देख सकूं द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुन शी व्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ यू ही नोट सी हर एवरी डे जो पुअर लेडी यहाँ हम लोग बात करें मिसिस पम्फरे के बारे में ठीक है कि वो बेचारी महिला अचीज सी हो गई मतलब बहुत ही दुखी वो वो सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा ठीक है फॉलोड बाई मिसिस पम्फरे वैलिंग आई मस्ट आउट टू दैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ इन अ ब्लैंकेट जो वैलिंग मतलब यहाँ पर हो रहा है कि फॉलोड बाई जो जो मिसिज पम्फरे ने मुझे ऑर्डर किया था बताया था उसके उस उसके बाद मैंने ट्रिकी को ब्लैंकेट में व्रैप्ड करके अपने कार में रख लिया The entire staff was roused and Mace rushed in and out, bringing his day bed, his night, night bed, favorite cushions, stalls and rubber rings, and breakfast bowl, lunch bowl, supper supper bowl. तो यहाँ पे क्या है जो इंटायर स्टाफ मतलब जो हॉस्पिटल में जो इंटायर स्टाफ वो राउस्ड मतलब आने लगे और रस्ट हो गया मतलब भागा दौड़ी करने एंड आउट ब्रिंगिंग ब्रिंग ब्रिंगिंग मतलब uh, कुछ चीज़ को लाना किसके लिए ट्रिकी का बेड लाना उसका नाइट बेड को लाना उसका फेवरेट क्वेश्चन को मत लाना जिससे वो आराम से रह सके फिर टॉयज को लाना उसका खिलौनों को लाना रबर रिंग्स को लाना जिससे वो खेल सके ब्रेकफास्ट बाउल बाउल यहाँ पे कटोरा जो वो ब्रेकफास्ट में खाएगा लंच में खाएगा सपर स्टैंड फॉर नाइट नाइट डिनर जो हम लोग रात को डिनर करते हैं उसे सपर उस, उ, उसे सपर कहते हैं रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड द स्टफ जैसे ही ही मतलब रियलाइजिंग टाइट मतलब मेरे मैंने ये रियलाइज किया था कि मेरी कार में तो वो सब चीज़ होगा ही नहीं आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे मैंने गाड़ी चालू किया एज़ आई मूवड मिसिस विद अ डिस्पेयरिंग क्राई जैसे ही मैं वहाँ से चला मिसिस पम्फरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई मतलब मिसे पम्फरे जो है वो रोने लगी Through an armful of little coats through through the window I looked in in the mirror before I turned the corner of the drive everybody was in everybody was in tear जैसे ही मैं आगे बढ़ा मिसेस पॉमफ्रे हताश भाव से रोती हुई आई तथा तो उन्होंने ढेर से छोटे-छोटे कोट खिड़की से फेंक दिए मैंने कार के शीशे में शीशे में मोड़ पर घूमने से पूर्व ही देखा हर व्यक्ति रो रहा था ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैटिटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास सीट पर हाफ्ता हुआ बैठा था I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You have not a kick in you, but I think I know a cure for you. मैंने उसका सिर थपथपाकर तथा ट्रिकी ने अपनी पूछ हिलाने के लिए बहुत चेष्टा की मैंने कहा तुम्हारा अंदर अब कुछ भी शीश है शीश नहीं है पर मैं इसका निदान जानता हूँ आई नो हाउ टू क्योर इट एट द सर्जरी द हाउस अराउंड ट्री ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नाउजी पैक विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट शिकित्सा पर मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू तो कुत्ते मेरे चारों ओर घिर आए ट्रिकी ने शोर करते झुंड को हल्की निगाह से देखा और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीजिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम कुत्तों ने कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूम कर उसे सूँगा फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता रुचिकर नहीं है तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अवॉम लूज बॉक्स बॉक्स नेस्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लिप्ट मैंने उसके लिए एक गरम बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया यह डब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में था फॉर टू डेज आई कैप्टन आई ऑन हिम गिविन हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर दो दिन के लिए मैंने उस पर निगरानी रखा खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया बट पीने के लिए बहुत ही वाटर दिया एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग सेकेंड डे मतलब दूसरे दिन ख़त्म होने में उन्होंने कुछ कुछ सराउंडिंग मतलब वहाँ पे कुछ कुछ इंटरेस्ट शो करने ला एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू वम्पर वेन ही हर्ड द डॉग्स इन दया और थर्ड और तीसरे दिन उसने जो जो वहाँ पे कुत्ते आ रहे उसके साथ विम्पर करने लगा विम्पर का यहाँ पे मीनिंग है कुत्तों कुत्तों को भोंकते हुए सुनकर वो भी हल्का स्वर में भोंकने लगा वेन आई ओपन द डोर ट्रिक ड्रॉट आउट एंड वॉज इमिडिएटली इन गर्ल्फ बाय जॉ जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिक की बाहर निकल गया तथा तुरंत उसे जोय तथा द ग्रे ग्राउंड एंड इस फ्रेंड जोय तथा द ग्रे ग्राउंड जोय तथा और उसके ग्रे ग्राउंड साथियों ने उसे घेर लिया आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रू रफली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग स्मूड ऑफ डाउन द गार्डन ट्रिकी फ़ॉलोड देम रोलिंग साइलेंटली विथ सरप्लस फैट ओके तो यहाँ पे उसे गिराकर उन्होंने लुटकाया तथा पूर्ण रूप से उनका निरीक्षण किया किसका निरीक्षण किया ट्रिकी का निरीक्षण किया वे कुत्ते बगीचे में चले गए ट्रिकी भी उनके पीछे चल दिया अपनी अकृत चर्बी के कारण वह कुछ धीरे चल रहा मतलब जो उसकी चर्बी था उसे 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 जो उसके फैट था उसको उसे थोड़ी मतलब परेशानी हो रही थी चलने में लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया और फिर वो वहाँ से चल गया लेटर डैड डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग हिम उस दिन के बाद मैं हमेशा प्रेजेंट रहा जब उसे खाना दिया जा रहा था ठीक है I watched while Trishan slopped the food into the मैं Trishan को देख रहा था कि वो उसके बाउल में कितना फूड डाल रहा है और कितना फूड नहीं डाल रहा है There was a usual headlong rush followed by sounds of high speed eating. उसका मतलब है कि मतलब रश होता है मतलब एकदम हड़बराहट से हाई साउंड आने लगा एवरी डॉग न्यू डैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ हिज मेल तो यहाँ पे बोल रहा है एवरी डॉग न्यू सभी डॉग जो है वो जान ता था कि यदि वह अन्य साथियों के पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा When they दे finished, Tricky took टूक वॉक राउंड द shining बाउस लिंकिंग कैजुअल इनसाइड वन और टू ऑफ टू ऑफ देव जब कुत्ते खाना खा चुके ट्रिकी ने चमकते कटोरों का चक्कर लगाया अन्य को लापरवाही से चाटा नेक्स्ट डे एंड एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिस्स वे टू वर्ड हिम नेक्स्ट डे दूसरे दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया ताकि वो खा सके अब ये हैरियट बोलता है मैंने जब उस कटोरे के लिए उसका धक्का मोती करते देखा तो मुझे खुशी हुई फ्रॉम द ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज डेपिड ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देर फ्रेंडली स्क्रीमेजेज ठीक है फिर यहाँ पे बोल रहा है उस दिन से ट्रिकी के स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार उस दिन के बाद ट्रिकी बहुत जल्दी से अच्छा होने लगा उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दिया जा रहा उसे किसी भी प्रकार का दया, दवा नहीं और वो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता था उसके मित्रापुन छोटे मोटे झगड़े में शामिल होता उसके जो भी था स्क्रीमेज मतलब होता है छोटा मोटा झगड़ा जो फ्रेंडली होता है नॉट अ बिग बैटर ही discovered the joys of being bowled over, trap on and squatted every every minute. हर हर minute अपने हाथ पैरों के नीचे पकड़ने तथा कुचले जाने का आनंद देख लिया मतलब वो तो अ, अब जो भी कुचल रहा था अब उसे वो फील हो रहा था तो उसे इस चीज़ का बहुत ही खुशी हो ही became an Accepted member of the gang, an unlikely silky title object among the shaggy crew, fighting like, like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his in his life. Wa usgiroka Swakrita Sibanya, a Chuta Sakuta kutta उन रुक्ष रोदा कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया मतलब वो अब उस लोग फ्रेंड बन गया भोजन के समय वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा तथा उस रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिका अब वो चूहा भी खाने लग गया था और अब मतलब वो इन शॉर्ट की वो वो बहुत वो वो बहुत एक्टिव हो गया था ओके और उसके पल में ऐसा कभी नहीं आया था ऑल द वर्ल्ड मतलब अब इसके बाद मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एनियशली इन द बैकग्राउंड जो मिसेस पम्फ्रे थे वो हॉवर्ड एनियशली मतलब इसमें हॉवर्ड या मतलब होता है वे चिंता दूर घर में चक्कर काटती रहती थी ठीक है Ringing, uh, मतलब वो बहुत चिंता होकर चक्कर काटे रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन दिन में दस बार वो ताज़ा समाचार जानने के लिए फोन करती थी I the question about whether द his cousins were दर बिंग regulations were being turned regularly, or is correct code one according to the weather. बट आई was unable टू टेल हर डैर द लिटिल फिलोज was आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वैशन रैपिडली मैं मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था कि क्या ट्रिकी की घड़िया को नियम द वर्ड कॉन्वेलसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे यहाँ पे वर्ड कॉन्वेलिंग मीनस है रिकवरी फ्रॉम इस इज स्वास्थ्य लाभ मतलब द वर्ड जो स्वास्थ्य लाभ सुनकर मिसिस पंफरी को कुछ करने का आ गया सी स्टार्टेड टू ब्रेक राउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ ओके उन्होंने क्या किया उन्होंने ना फ्रेश uh, एग्स अंडे को देना शुरू कर दिया कहाँ पर मिसर uh, हैरियट को टू एट अ टाइम दो दर्जन एक बार में टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ किसके क्यों दिया इसके ताकि जो ट्रिकी का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा से बन पाए अच्छा से हो पाए फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर बैक फॉर कुछ लुहावना समय के लिए मेरे जो पार्टनर थे मतलब स्टाफ जो थे और मैंने दो एग्स ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दिए बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन ऑन द हॉस्टल लेकिन जब बॉटल्स ऑफ वाइन टू अराइव मतलब जब शराब की जो आ, 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 बोतल है वो आने लगी तो स्थिति की वास्तविक संभावना सभी को समझ में आने लगी ओके इट वॉज टू इंडियस ट्रिकीज ब्लड लंच बिकेम अरेमोनियम ऑकेजन विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सर्वल ड्यूरिंग द मिल ट्रिकी की रक्त की समृद्धि बनाने हेतु उन उसका लंच एक समारोह का अवसर बन गया उसे दो ग्लास वाइन मतलब ये पिलाया गया पहले और जाने लगे और अनेक ग्लास लंच के दौरान वी कुड हार्डली बिलीव्ड वी कूड हार्डली बिलीव इट वेन द ब्रैडी केम टू पुट अ फाइनल एज्ड ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने वाली ब्रैडी मैसेज परफ्रेन ने भेजी नाइस द फाइन स्पिरिट वॉज रोल अराउंड हेल्थ एंड रेवीरेंटली ड्रंक ये दिन बहुत संतुष्ट देने वाला है और कुछ रातों में वह वह हमी लोग के ड्रिंक में आने लगा मतलब वो जो शराब था वो ऑथर भी ले रहा था और उसके जो स्टाफ्स थे वो भी ले ले रहे थे देर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इंप्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड tea, wine and finishing luxuriously round the fire with the ब्रांड ये दिन बहुत संतुष्ट देने वाला है है क्योंकि अंडे खाने को मिल रहे थे दोपहर को नियमित रूप से शराब पीने को मिल रहा था और आग के चारों और ऐस से बैठ हम ब्रांड पीते थे मतलब राउंड द फायर विद द ब्रैंड ठीक है ब्रांड का जो था शराब उसको पीते थे और राउंड द फायर आग के चारों तरफ बॉर्न फायर जो वहाँ पर होता है तो वहाँ पर हम लोग बैठ के पी रहे थे इट वॉज अ टेम टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ पर्मनेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिस पफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फॉर्ट नाइट फेल्ड कंप्लेन टू फोन एंड टेल हर डैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अ कलेक्शन हमें प्रलोभन हो गया था मतलब हम थोड़े से मतलब लाजी टाइप के हो देगी कि ट्रिकी को सास थे मेहमान बनाकर रखा जाए पर जो हैडेड था वो जानता था कि मि मिसेज पफरे बहुत ही दुख में होगी बहुत वो दुख में होगी ठीक है क्योंकि वो दो सप्ताह से उन्हें फ़ोन पे बात करने के लिए ट्रिकी का जो हेल्थ के बारे में बार बार वो पूछ रही होगी और उसे उनको बताना भी था मिसेस पफरे को हैरियट को कि ट्रिकी अब ठीक हो गया है अब वो आप इसे ले जा सकती है विदिन मिनट्स अबाउट थर्टी

इंटीरियर जो चौफर यहाँ पे इसमें बोला जाता है चौफर मीन्स ड्राइवर ठीक है चौफर चौफर मीन्स ड्राइवर तो ड्राइवर दर, ने दरवाजा खोला मैंने अंदर बैठी मिसेस पैफ्री को कठिनाई से ही पहचान लिया किसने पहचाना मिस्टर हैरियट ने उन्हें कठिनाई से मतलब उनका पूरा विजन तो नहीं मिल रहा था लेकिन थोड़ा सा विजन से भी उन्होंने उसे पहचान लिया हर हैंड्स व टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रबल ओह मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज शी रियली बेटर जो मिसेस पफरी के हाथ थे वो कसकर एक दूसरे से फंसे हुए थे उनके होंठ कांप रहे थे फिर उन्होंने वो ओ मिस्टर हैरियर मुझे सच बताइए क्या ट्रिकी सच में ठीक हो गया है यस इज फाइन देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द गर्ल आई विल गो एंड फेंच हिम उन्होंने बोला हाँ वो सच में ठीक हो गया है आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है मैं जाता हूँ और मैं ट्रिकी को यहाँ पे लेके आता हूँ ठीक है आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन अब आई वॉक जो हैरिएट है वो हाउस के जाते थ्रू गार गार्डन गार्डन से अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग ग्राउंड एंड हटरीना द लॉन एंड इन दर मिस्ड एयर फ्लैफिंग ट्रेल वेविंग वॉज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी ठीक है यहाँ पे अ मास ऑफ डॉग्स मतलब डॉग का झुंड वॉज हटलिंग अराउंड इधर उधर घूमने लग गया एंड राउंड द लॉन्ड लॉन्ड यह मतलब होता है ग्राउंड ठीक है इन देर मिस्ट इयर्स फ्लैपिंग मतलब अपने जो ईयर्स uh, उसे ऐसे ऐसे हिलाने लगा ट्रेल वेविंग ट्रेल को भी हिलाने वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी वो गोल्डन फिगर बस ट्रिकी को देखने के लिए क्योंकि अब वो क्योंकि वह वो, वो अब यहाँ से जाने वाला था तो उसे देखने के लिए सब कोई इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन टू लेथी लेथी स्टैंड फॉर लोचदार हार्ड मशल एनिमल्स मतलब सख्त मतलब सख्त मसल वाला एनिमल ही वो स्कीपिंग अप वेल विद द पैक अब जो वो अब जो वो कुत्तों के झुंड था उसे वो भली भांति मिल चुका था घोल मिल चुका था स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंस अच्छा से छलांग लगा रहा था एकदम ऊंची चला चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड उसका जो चेस्ट है वो ग्राउंड को छू रहा था आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द डोर द चॉफर वज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन ओके यहाँ पर आई कैरिड हिम बैक मैंने उसे अप मैंने उसे जो पैसेज है उसके फ्रंट ऑफ द हाउस उसे लाया द चॉफर स्टिल होल्डिंग द दार्डो ओपन जो चॉफर है चॉफर यहाँ पे स्टैंड होता है ड्राइव ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर जो है वो द, उसे ने दरवाजा खोल रखा था एंड वेन ट्रिकी सोहेज मिस्ट्रेस जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा वो, देखा ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडसल इन टू मिसेस पफरे लैम वह मेरे हाथ से उछल कर जो लैप यहाँ पे गोद पफरे के गोद में शी गे स्टार पफरे चौगी एंड देन हैज ए स्व ओवर हर लिंकिंग हर फेस एंड बाकिंग जो अब जो डॉग था वो ना उस उनके मुँह को चाटने लग गया बाकी करने लगा ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्थ दू ब्रिंक आउट द बेस्ट टॉयस कशंस कोस एंड बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज एज द कार मूव अवे मिसिस परफ्री लीन आउट ऑफ द विंडो टीयर शोन इन हर आइज हर लिप्स ट्रम्बल्ड तो इस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही मैंने शॉफर को ट्रिकी के सारे बिछौना खिलौने गद्दिया कोट तथा कटोरे लाने में मदद की इसमें शॉफर स्टैंड फॉर ड्राइवर इसमें किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था जब कार चल रही थी तो मिसेस पफरे ने खिड़की से बाहर सिर निकाल उनकी आ, आँखों में आंसू थे उनके होंठ काँप रहे थे ओह मिस्टर हैरी सी क्राइट हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज ट्रीम ऑफ सर्जरी वो मिस्टर हैरिस से बोलती है रोते हुए मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं इसी तो शय किया गया या औषधि विज्ञान का विजय कहा जाता है सो हियर वी प्रूव दैट इट इज़ कॉल्ड ट्रिप ऑफ सर्जरी सो हु इज द ऑथर ऑफ़ दिस स्टोरी द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज जेम्स हैरियट लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक माय चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फ्रेंड्स थैंक यू